लगातार आज छठा दिन भी निकल रहा है, हंगामेदार है, क्या लग रहा है ऐसे ही निकल जाएगा पूरा सत्र? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है, इनकी सरकार के पास नहीं है, और रीजनल पार्टीज़ और वो रीजनल पार्टीज़ जिनका इनसे तअल्लुक है, एनडीए से तअल्लुक है, उनको इन्होंने आगे लगा रखा है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कि सदन चलने ना दिया जाए। आज भी इनकी जो जमात है अन्ना डीएमके, वो हर दफ़ा वेल में आ जाती है और हाउस को चलने नहीं देती, और चेयरमैन साहब भी हमारे लंबा अरसा, उनको इंतज़ार, मेरी तो उनको गुजारिश ही है क्योंकि ही इज़ वेरी सीन इज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के, कि आप अगर आपने ज्वाइन भी करना है कोई 10-15-20 मिनट के लिए कीजिए, आप पूरा दिन ज्वाइन कर देते हो तो काम कैसे चलेगा। तो मैं समझता हूँ एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक ये भाजपा का काम है कि खुद आओ ना वेल में, अपने सहयोगी पार्टियों को भेज दो, सो दैट अगर कल कोई बात हो तो ये कहें कि हम तो हर तैयारी में हैं, आप हमारे से बहस कर लीजिए, मगर ये गवर्नमेंट खुद ही बहस नहीं चाहती। सर